सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है ओमिक्रॉन लॉकडाउन के आशंका के चलते इंडिया की बड़ी खबर इंडिया कार्यालय में कांग्रेस नेताओं की धमक पीड़ित खातेदारों के साथ पहुंचे कार्यालय सेक्टर बड़ी खबर दोस्तों रायपुर की है रायपुर मुनादी की है शहर के इंडिया कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने बैठकर वहाँ के खातेधारकों को पैसे देने की मांग की कबीर चौक ब्रांच के मैनेजर को भी बुलाया गया लेकिन सेक्टर हेड अमृतलाल श्रीनिवास ने मोबाइल बंद कर दिया इसके बाद पुलिस मैनेजर को चेतावनी देकर वापस लौट आई लेकिन कांग्रेस नेता वहीं जमे रहे बड़ी अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहे मैं यूस खान और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी पल से पल पल की खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं आज भी बड़ी अपडेट दोस्तों जो आपके लिए हम लेकर आए वो रायगढ़ की है जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सहारा के निवेशकों का पेमेंट नहीं हो रहा यानी कि उनका भुगतान नहीं हो रहा सभी ब्रांचों पर कमावेश यही हाल है और उसी को लेकर सहारा इंडिया के निवेशकों के साथ इस वक्त कदम से कदम बढ़ाते हुए कांग्रेस के नेता यहां पर उनकी ब्रांचों पर धरने प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं और दोस्तों आज हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए रायपुर की है और रायपुर मुनादी के है यहाँ तक कि सहारा इंडिया के जोनल चीफ युवराज सिंह शहर में रहने के बावजूद यहाँ नहीं आए ग्राहक और नेताओं के बीच परेशान हुए मैनेजर विजय लोग अपने पैसे के हिसाब मांग रहे थे और जिसका पैसा मच्योर हो गया था वो अपना रिफंड मांग रहे थे लेकिन मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था और ये सभी प्रभावित रणवीर सिंह ने बग्गा ने बताया कि उसके चौदह लाख रुपए सहारा इंडिया में पड़े हुए हैं और जिसकी खाता अवधि मचोर अवधि जो है सात महीने पहले पूरी हो चुकी उनका पैसा नहीं मिला इसके अलावा भी कई खातेदारक वहाँ मौजूद थे उनका अपना पैसा अभी तक उनको वापस नहीं मिला और इसी पैसे की वापसी के लिए यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस नेताओं का सहारा लिया है और देखना यह है कि कांग्रेस नेता निवेशकों का पैसा दिला पाते हैं या नहीं क्योंकि अभी कांग्रेस नेता वहीं ब्रांच पर जमे हुए हैं ये अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए अभी अभी की ताज़ा अपडेट है और आगे जो भी कोई अपडेट आएगी दोस्तों हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे आपसे उम्मीद है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं